अवैध संबंधों में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसको अपनी ना औलाद दिखती है, ना अपना घर परिवार दिखता है, ना ही कोई रिश्ते नाते दिखते हैं। तभी तो आपने आए दिन देखा होगा लड़कियां और लड़के अपने घर वालों के प्यार को भूलकर एक दूसरे के साथ घर से भागकर शादी कर लेते हैं। यही होता है हवस का एक दायरा। लोग ये नहीं समझते हैं कि घर वालों ने हमारे ऊपर कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनतों से हमें पाला है, बड़ा किया है। बस 6 महीने के प्यार के ऊपर अपने 20 साल के घर वालों के प्यार को ठुकरा कर जो बच्चे और बच्चियां होती हैं घर से भाग जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यह एक अट्रैक्शन होता है, हवस का खेल होता है, क्योंकि जो प्यार होता है वह तो जीवन भर बना रहता है। लेकिन आजकल जो लड़के और लड़कियाँ भागते हैं, वह पहले तो प्यार में आकर भाग जाते हैं और जब उनकी हवस पूरी हो जाती है 6 महीने बाद, फिर वे अपने तलाक के कागज़ों को लेकर थाने और तहसीलों में घूमा करते हैं। क्या यही प्यार है? क्या इसी प्यार के लिए घर वालों को ठुकराया था? बिल्कुल भी नहीं। यह हवस का खेल है दोस्तों, सिर्फ माध्यम बना दिया गया है प्यार का। प्यार का नाम लेकर लोग अपनी अपनी हवस को पूरी करते हैं, वासनाओं को मिटाते हैं। आज की जो घटना है यह भी बहुत मार्मिक है। एक 11 साल के बेटे ने अपनी माँ और अपने चाचा को कमरे के अंदर नग्न हालत में संबंध बनाते हुए देखा। फिर जैसे ही वह इस हालत में देखता है अपने माँ को और अपने चाचा को, उसके बाद वह कमरे से बाहर आ जाता है और चुप गुमसुम सा बैठ जाता है अपने कमरे में जाकर। दोस्तों, उसके बाद होता है मौत का तांडव स्टार्ट और यहाँ पर एक माँ कलंकनी का रूप धारण कर लेती है। आखिर क्या हुआ था? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बंगाल के एक गांव की। बंगाल के एक गांव के अंदर उर्वशी नाम की एक औरत रहा करती है जिसकी उम्र 32 साल है। उसकी शादी हो चुकी है, उसके पति का नाम है गोविंद। गोविंद की उम्र होती है 35 साल। उसको एक 11 साल का बेटा भी है, यानी कि पति पत्नी और एक 11 साल का बेटा है। आराम से अपने घर में रहा करते हैं, मौज मस्ती किया करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसों की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि गोविंद कमाने के लिए बाहर जाया करता है। और दोस्तों, उन्हीं के पड़ोस में गोविंद के चाचा का लड़का साहिल, जिसकी उम्र 28 साल है, वह भी रहा करता है। अब जैसे गोविंद घर से बाहर कमाने खाने के लिए जाया करता है तो घर के अंदर अकेली उर्वशी रह जाती है और साहिल की नज़र उर्वशी के ऊपर पड़ती है। उर्वशी भी साहिल की तरफ देखती है तो दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार नहीं, हवस का खेल हो जाता है, हवस का अट्रैक्शन हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बातें करते हैं और फिर कहते हैं कि जब जो उर्वशी होती है वह कहती है कि जब मेरा पति घर पर नहीं रहता है तब तुम मेरे पास आ जाया करो, हम दोनों प्यार करेंगे। दोस्तों, जब उर्वशी का पति घर पर नहीं रहता है तो साहिल को वह अपने घर में बुला लिया करती है, जो कि उसका देवर लगता है रिश्ते में, और उसके साथ अपनी हवस को मिटाया करती है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। उर्वशी के पति गोविंद को थोड़ा सा शक जरूर है लेकिन वह पक्का कह नहीं सकता है, इसलिए घर के अंदर लड़ाई ना हो इसलिए वह चुप है। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। गोविंद एक दिन घर पर नहीं था, उर्वशी अपने जो देवर है साहिल उसको बुला लेती है। उर्वशी का जो बेटा था वह स्कूल गया हुआ था। उर्वशी अपने देवर साहिल को घर में बुलाकर उसके साथ संबंध बना रही होती है। तभी उर्वशी का बेटा स्कूल से आ जाता है और एकदम से अपनी माँ को ढूंढता हुआ उसके कमरे में पहुँच जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि उसकी माँ नग्न हालत में पड़ोस के चाचा के साथ बिस्तर के ऊपर पड़ी हुई है और संबंध बना रही है। दोस्तों, यह वह नज़ारा देख लेता है बेटा, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता है। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर सुमसाम सा बैठ जाता है, गुमसुम बैठ जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, दूसरा दिन होता है। गोविंद भी शाम को घर आ जाता है और जैसे दूसरा दिन होता है तो उसको अपना बेटा घर पर नहीं मिलता है। उसको इधर उधर ढूंढता है, अपनी पत्नी उर्वशी से कहता है कहाँ गया। उर्वशी कहती है कहीं बाहर खेल रहा होगा, लेकिन वह बाहर भी ढूंढ कर आता है लेकिन उसका बेटा कहीं भी उसे नहीं मिलता है। तभी दोस्तों, गोविंद थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए जाता है कि मेरा बेटा कल से गुम है, गायब है, आप रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तो गोविंद सिर्फ यहाँ पर एक ही बात कहता है कि मुझे अपनी पत्नी और अपने चाचा के लड़के साहिल के ऊपर शक है, क्योंकि इनके शायद मुझे लगता है अवैध संबंध है, पक्का मैं कह नहीं सकता। दोस्तों, अब क्या होता है, अब पुलिस छानबीन करने में जुट जाती है और फिर क्या होता है, उर्वशी से कुछ पूछताछ करती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ गया और तुमने कब देखा था। तो उर्वशी कुछ आधे अधूरे जवाब देती है। उसके बाद पुलिस साहिल से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है, वह भी थोड़ा सा हिचकिचाई आवाज़ में बात करता है। तो पुलिस तुरंत साहिल को उठा लेती है, सख्ती से उसकी साथ पूछताछ की जाती है तो साहिल टूट जाता है और साहिल पर सारी घटना बताता है। साहिल बताता है कि मैं उर्वशी के साथ मेरा प्रेम प्रसंग चला हुआ है और फिर एक दिन हम संबंध बना रहे थे
तो इनका बेटा वहाँ पर आ जाता है, हम दोनों को नग्न हालत में देख लेता है। उसके बाद वह अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। फिर उर्वशी ये कहती है मुझसे कि अब यह हमारी इस कहानी को सबको बता देगा, अब क्या करें। तो यह दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि इसको मार दिया जाए, इससे तो अच्छा यही रहेगा। दोस्तों उर्वशी तैयार हो जाती है और फिर प्लानिंग की जाती है। फिर साहिल उस बेटे को घुमाने के लिए नदी के किनारे ले जाता है, नहर के किनारे, और उसको घुमाते घुमाते एकदम से नहर में धक्का दे देता है और वह नहर में डूब कर मर जाता है। दोस्तों यह बात जब पुलिस को बताई जाती है तो पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है कि एक माँ इतनी हत्यारण, इतनी डायन कैसे हो सकती है। अपनी एक बात को छुपाने के लिए अपने बेटे जो कि 11 साल का था, बड़ा हो रहा था और बड़ी मेहनत से पाले जाते हैं बच्चे, उसको ही मरवा दिया। अब क्या होता है, पुलिस उस नहर में गोताखोरों को लगाती है और फिर बड़ी मशक्क़त के बाद उस बेटे की लाश को उस नहर से निकाला जाता है। दोस्तों उसके बाद उन दोनों को, उर्वशी और साहिल को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। बसा बसाया घर एक हवस के कारण उजड़ गया। अब यहाँ पर गोविंद अकेला रह जाता है, उसका रो रो कर बहुत बुरा हाल है, रात दिन वह रो रहा है कि उसका बेटा गया, उसका बेटा गया। तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा है अवैध संबंधों में इंसान अंधा हो जाता है, इससे तो अच्छा है कि अवैध संबंधों से दूर रहें, कभी भी इस चक्कर में ना पड़े। यहाँ पर उर्वशी इतनी कहते हैं एक तरह से डायन बन चुकी थी, अपने बेटे को ही निगल गई सिर्फ इसलिए कि यह हमारे बारे में किसी को बता ना दे। तो यहाँ पर अवैध संबंधों में इंसान हवसी और दरिंदे हो जाते हैं, यह साबित भी होता है। तो कभी भी इन चक्करों में ना पड़ें, अपने परिवार को उजड़ने से बचाएं पहले से ही, कभी भी ऐसा कृत्य ना करें और सावधानी बरतें। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, अवैध संबंधों में ना पड़ें। जय हिंद, जय भारत।